सुनो मेरा, तुम कभी पार्षद नहीं बन सकते। पार्षद कब वो कुछ नहीं बन सकते। बाकी मैं तारी 10 साल से राज कर रही थी, कुछ नहीं। सच्चाई तो क्या है जी, सबसे पावरफुल लेडी थी सोनिया गांधी, उसकी मम्मी ने पावर सेंटर ये होता है जो दे। एक दिन मैंने पेपर पढ़ो, सुनो, पेपर में मैंने पढ़ा राष्ट्रपति की क्या औकात होती है, प्रधानमंत्री क्या होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों खड़े हैं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री भी नमस्ते कर रहा है और राष्ट्रपति भी झुक रही है। तो पाटिल आज के समय में राष्ट्रपति कांग्रेस का है, पर मोदी जाके उसके आगे झुकता है। तो और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री पार्षद नहीं बन सकता। कौन बाकी मैं तारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो खड़े द्वार पर वाले खड़े चर्चा नहीं। नहीं तो वो तो विदेशी एक ताकत जो तुम्हारे देश क्यों नहीं है, पूरा पूरा इंडिया का नाम नहीं है। सुनो बाकी बराबर क्या है, तुमको नहीं कर सके। प्रधानमंत्री का पट पकड़ा दिया था बेटा, अब बड़ी सभा में वो एक वो अपन देख रहे थे, वो एक लेडी थी ना, कौन थी एक महिला उमा भारती और सुषमा स्वराज ने जब कही कि अगर ये बनेगी मर गई बनने। रख जाओ, पहले मामा जी, पहले मामा जी। सुषमा स्वराज ने जो बोला था, अगर एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनती है तो इस संविधान पर वह मैं अपने सिर का मुंडन करवा लूंगा, जैसे उमा भारती ने बोला था नहीं बनने दिए। हाँ तो करवा लेती, कोई को मुंडन से फर्क पड़ा। जब बहुमत था तो क्यों नहीं बनी, यही था तो फिर क्यों नहीं बनी भाई। तो जब उसको डर था, डर नहीं क्यों नहीं, कोई त्याग से कोई ताकत नहीं रोक पाती। सोनिया गांधी ने बोला था, जब तुम्हारे पास भूट है, घर में भूट है तो फिर क्या करोगे तुम, मुंडन कराओ चाहे कछु मुगारे करो। और वैसे ही जैसी घर की खेती है दोबारा चंपालाल ये बात तो बोली थी मैंने ना, इस राजनीति में मुंडन बनती ना, बनती पर क्यों नहीं बनती। त्याग नहीं, डरी थी वो, डर गई थी वो, तो उसका त्याग डर गई थी वो। भाग्यवाह में भी आए थे और टीवी पे भी उसने खुद ने बोला था मैं नहीं बनना, बोले मेरा पूरा परिवार चला गया, मैं नहीं मरना चाहती, मरना नहीं चाहती। जय गई थी, मैंने अपना पति उससे और मतलब पूरे परिवार में ऐसे हुआ है, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। बात ये है, देश करता है उन पर विश्वास। तुम कह रहे थे ना पप्पू, पप्पू हुए चाहे वो गुग्गू हुए, चाहे वो पिल्ला हुए, चाहे वो कछु हुए, वो कौन है, इंदिरा गांधी का नाती। सुनो मेरी बात, इसलिए पब्लिक उसको वोट देती है, उन पर विश्वास है कि मर रहे हैं, ये देश के लिए मर रहे हैं, इनका परिवार मरता है, उन पर विश्वास है। तीसरे आदमी विश्वास ही नहीं, कांग्रेस में नहीं है भाजपा में, चला चला के मंदिर बनवाएंगे, सिर काट के लाएंगे, जो दंगे भी जल्दी को करेंगे, अरे फूट जो तुम, हम सब करेंगे, प्रचार मिटाएंगे। पहले मौसा रुक जाओ, मौसा जी का खाने का ब्रेक खत्म। इंडिया में आने वाले 5 साल बाद देखना, जिन रोडों पे आप चल रहे हैं वो अटल बिहारी के हैं, आने वाले 5 साल बाद देखना मोदी ने क्या किया, उसकी प्लानिंग देखो। एक बात बताओ, वही योजना अगर है थी, आज देश खा रहा है रोटी दोनों टाइम, तो वो खा रहा है रोजगार गारंटी को दौलत, उसी ने तो रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी की बदौलत रोटी खाना सीख गए पेट भर के। तुम तो हो गए जमींदार, तुम्हें कहा हो या गरीब जंगलन में जिन्हें रोटी नहीं है नसीब। हाँ आज भी है पोजीशन, आज बात कर रहे हैं, यही हम रही बगल में।
पापा आपका क्या कहना है इन दोनों की डिबेट में? बताओ पापा, आ जाओ जहाँ बैठे तुम भी डिबेट में मोसा जी के साथ में आ जाओ। अरे बैठ, अरे बैठ जाओ, जा जगेगी। भाजपा वाले यहाँ, कांग्रेस वाले जहाँ, उनका मौन समाप्त। तो दोबारा चालू हो जाओ। आग लग दे, जैसे आपका काम की जला के रख दे, हम पानी डालते हैं, आग नहीं उगलते हैं। एक महीने के अंदर राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। और अभी आपका संघर्ष है, अभी इसमें हमारी साथ संतों की बैठक होने वाली है। अभी एक मंदिर का नजारा, अभी एक महीना पहले अयोध्या चले। मेरी बात सुनो, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, वहाँ के कोई एक मौलवी है, मौलवी अयोध्या, उनका ये कहना था कि मक्का मदीना में जो मूर्ति है वो शिवलिंग है, और हमारे भी माँ बाप शंकर और पार्वती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान मुसलमान ने बोली है, वो ये कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे हिंदू हैं। जो होते ही जो अपने भाई हिंदू बेचारे अपने यहाँ रखी है उन्हें, वो तो महात्मा गांधी की समानी सही है, जो तो अबे की थोड़ी है। जब देश आजाद हुआ तो जब जा गई थी, जो अपने देश भारत में हिंदू है वो मुसलमान है, उन्हें मतलब पूरी रहने का अधिकार है हर बात। मुझे कार बरबर तो चक्कर उनके पीछे कर। पापा कुछ बोलना चाहेंगे आप? भाई जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय मुसलमानों का है वो भाई। उस समय हिंदुस्तान में जो रहना चाहता था वो हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में जो रहना चाहता पाकिस्तान। भीमराव अम्बेडकर, सारे जी ऐसी जड़ जमा गए, ऐसी जड़ जमा गए संविधान की कि कोई हिला नहीं सकता। उन्हें बड़े बड़े सरदार वल्लभ अगर चिल्लाओ करो तो चिल्ला करो, जनता कितने दिन बेवकूफ बनाओ सच्चाई तो जी है ना, सच्चाई क्या है कि आप तो उसे राइट है संविधान में पावर दी है, मारा सब करो भाई। मुश्किल से 10 या 10 से 20 साल बाद गली गली जूते पड़ेंगे हिंदुओं में, देखो 20 साल ज्यादा नहीं पड़े ना, पड़े लड़े ताकतवर बने ना, वो खुद ताकतवर बने ना। कैसे बने? वो खुद बने स्वयं, जो दूसरों के तल में चाट रहा है वह नेहरू गांधी ये पकड़े हैं। अरे वो मर को हटा देश आजाद माने करवा है, माने करवा सरदार सरदार भगत सिंह ने करवाया। भगत सिंह बताऊं क्या है, तो एक गुंडा है तो कौन भगत सिंह हो गए आतंकवादी है, तो दो गोली फांसी लटका दो, एक आदमी मार दो, देश आजाद है तू नेहरू। वो अंग्रेजों का सिपाही था भगवत सिंह, वो कौन भगत सिंह? काय करो, रोको जरा डिबेट स्टार्ट। अंग्रेजों की सेना में थे, उनमें दो चार गोलियां खा लेंगे, ये खा दे वो अंग्रेजों ने मार दिया, बैठ गए फांसी फांसी के अंदर। भगत सिंह को फांसी दी गई कि अंग्रेजों ने दी थी? हां अंग्रेजों ने दी थी, लेकिन हमने लेकिन अंग्रेजों के हाथ से बनना चाहते थे, तो अपने जो की सेना में कैसे आते? अंग्रेज की सेना में ही थे, कैसे आवे पहले से ही थे आप वो हाथ पे रखते थे फांसी को दे रहे थे। अंग्रेज काम कर रही हो और तो अपनी वही है न्यूयॉर्क का कर रहे हैं। बोल 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 अंग्रेजों की सेना उनके योगी वो उनका विरोध करने लगे। हाँ तो क्यों करने लगे? वो देश के लिए लड़ने लगे, पहले तो वो हिंदुओं को ही मार रहे थे ना, फिर बाद में एक आधे उन्हें।